सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नया वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑनलाइन फोटो एडिटिंग। एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसका नाम है photo.com। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग कोई भी फोटो को किसी भी तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। आप लोगों को मैं बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को मैं एडिटिंग सिखाया हूँ, लेकिन आज जो सिखाऊंगा आप लोगों को कुछ अलग होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑनलाइन फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। और यहाँ से आप लोग सिर्फ फोटो एडिटिंग ही नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल या यूट्यूब कवर फोटो या फेसबुक कवर फोटो, ट्विटर के लिए फोटो, बहुत सारा आप लोग बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है photo.com ने, और इस वेबसाइट के मदद से आप लोग किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर यही दिखाऊंगा। गाइस, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो आप लोग फोन से भी कर सकते हो, यहाँ से मैं डेस्कटॉप स्क्रीन के थ्रू दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो इसीलिए। तो आप लोगों को यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल पर आने के बाद आप लोगों को सर्च कर लेना है photo.com, और सर्च करने के बाद आप लोगों को सिंपली सर्च कर देना है एंड आप लोगों को फास्ट में एक वेबसाइट मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन फोटो एडिटर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइस देख सकते हो एडिट ए फोटो, मेक ए कॉलेज एंड यहाँ पर क्रिएटिव डिजाइन के थ्रू आप लोग थंबनेल वगैरह बना सकते हो, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंड यहाँ से आप लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सिंपली मैं साइनअप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप लोग चाहे तो ईमेल के थ्रू भी साइनअप कर सकते हो एंड आप लोग फेसबुक के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू यहाँ से आप लोग चाहे तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं फेसबुक के थ्रू ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक का पासवर्ड एंड जो ईमेल वगैरह होता है, नंबर वगैरह यहाँ पर डाल दिया हूँ। एंड देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया हूँ। एंड सिंपली आप लोगों को एडिट ए फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। एंड जब आ जाएगा इस टाइप का इंटरफेस, देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पर बहुत सारा एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से क्लिक करके आप लोग फोटो को ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैं एक फोटो ऐड कर लेता हूँ, एंड पहले क्या करूँगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस फोटो को ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आप लोग किस तरीके से इरेज कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है बैकग्राउंड यूज करने में, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस यहाँ पर देख लो भाई कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है करना। यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो गाइस, मैजिक क्लिपर बोलकर, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर दो टूल्स मिलता है, देख सकते हो, फाड वाला यहाँ पर, ठीक है, जो आप लोगों को बॉडी के ऊपर यहाँ पर लाइन बनाना है, एंड सेकेंड वाला जो रिमूवल वाला है उसको आप लोगों को बैकग्राउंड के ऊपर चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं फाड वाला को चूज़ करके यहाँ पर साइज वगैरह फिक्स कर लेना, एंड आप लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से बॉडी के ऊपर चला देना लाइन, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को वैसे ही करना है। एंड जो सेकेंड वाला ऑप्शन है आप लोगों को चूज़ कर लेना है, एंड आप लोगों को आप बैकग्राउंड में चला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चला दिया हूँ, देख सकते हो गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रह गया है, यहाँ पर गाइस देख सकते हो। तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से आप लोगों को मार्क कर लेना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से टाइम देकर करोगे तो और भी अच्छा होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी दिखा रहा हूँ, फिर भी देखना कि कितना परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, जैसे कि हो गया है, यहाँ पर मैं मार्क कर लिया हूँ जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। एंड आप लोगों को प्रीव्यू करके भी देख सकते हो कि कैसा लगेगा दिखने में, कहीं पर गलती हो गई तो आप लोग यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रीव्यू करके देख रहा हूँ तो अच्छा ही है, ठीक ठाक है। यहाँ पर मैं सिंपली अब अप्लाई कर दूंगा, देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो है फोटो का जो बैकग्राउंड है रिमूव हो गया। आप लोग सिंपली सेव करने के लिए यहाँ पर सेव का बटन मिलता है ऊपर, आप लोग सिंपली क्लिक कर दो। एंड आप लोग यहाँ पर PNG में सेव करना चाहते हो इसको या JPEG में, तो आप लोगों को सिंपली इसको PNG में सेव करना है, क्योंकि ये एक PNG फाइल है भाई, बैकग्राउंड कटआउट किया हूँ तो PNG में ही सेव करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है भाई। तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ जो फोटो है, फोटो को कटआउट हो गया है। अब चलिए दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं कि दूसरे तरीके से आप लोग किस तरीके से यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। तो सिंपली इस फोटो को यहाँ से मैं कट करके हटा देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पर हटा देने के बाद सिंपली जो दूसरा फोटो है, दूसरा फोटो यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। एंड दूसरे फोटो के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों को मैं सिंपली दिखा देता हूँ गाइस। बहुत ही सिंपल है यहाँ से एडिटिंग करना, ठीक है, और सिंपल है इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मतलब बहुत ही यहाँ पर मतलब बिगिनर लोगों के लिए ये बेस्ट है एकदम। तो देख सकते हो यहाँ पर जो पिंपल्स है मेरे फेस के ऊपर, तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हो आप लोग बहुत ही आसानी से, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, मतलब इस वीडियो के अंदर नहीं भाई, इस फोटो के अंदर मैं यही दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ब्यूटी वाले टूल्स पर आ जाना है। एंड आप लोगों को यहाँ पर मिलता है क्लोन वाला टूल, ठीक है, तो क्लोन वाला टूल पर आ जाना है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ट्यूटोरियल आप लोगों को किस तरीके से करना है यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टूल्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर साइज़ वगैरह फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं साइज वगैरह फिक्स कर लेता हूँ। एंड आप लोगों का जो फेस के ऊपर जहाँ पर मतलब क्लीन है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। एंड जहाँ पर आप लोगों का पिंपल्स वगैरह रहेगा वहाँ पर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। तो जैसे देख सकते हो टैप किया हूँ और जो मेरा फेस के ऊपर पिंपल्स था वो गायब हो गया है। तो जहाँ पर आप लोगों का पिंपल्स होगा सिंपली वहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, बस एक क्लिक करोगे और हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो जो पिंपल्स वगैरह था वो गायब हो चुका है मेरे फेस के ऊपर से। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो, यानी यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हो फोटो को।
सो गाइस सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर तीसरा जो फोटो है यहाँ पर ऐड कर लूँगा मैं यहाँ पर। सो सिंपली इस वाले फोटो को ऐड कर लेता हूँ एंड इस फोटो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोगों का जो टीथ होता है भाई, मतलब यहाँ पर जो दांत होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से क्लीन करना है इसको, जो यहाँ पर देख सकते हो येलो येलो कलर रहता है तो उसको कैसे व्हाइट करना है। तो सिंपली आप लोगों को ब्यूटीफुल ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर टीथ क्लीनिंग देख सकते हो गाइस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यहाँ से आप लोग टोटल देख सकते हो कि किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप लोगों को साइज वगैरह फिक्स कर लेना है, तो सिंपली यहाँ पर साइज में फिक्स कर लेता हूँ एंड आप लोगों को कुछ इस तरीके से दांतों के ऊपर मतलब टीथ के ऊपर आप लोगों को चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो येलो येलो यहाँ पर कलर था दांत के ऊपर यहाँ पर चला गया है, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको मतलब यहाँ से आप लोग एक चीज पर्टिकुलर चीज के ऊपर रीडिंग कर सकते हो और इसीलिए मुझे ये वेबसाइट अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ एक ही वेबसाइट की मदद से हो जाता है। तो चलिए अब एक लड़की के फोटो के ऊपर दिखा देता हूँ जो मेकओवर मतलब मेकअप वगैरह होता है। हालांकि सिर्फ लड़की लोग ही नहीं, बहुत लड़के लोग भी यहाँ अब मेकअप करता है। तो एडिटिंग मतलब क्या है भाई, अच्छा दिखाना फेस को, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूँ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि ये जो आई है यहाँ पर आई के ऊपर किस तरीके से शैडो डाल सकते हो, ठीक है। शैडो डालोगे तो एक अलग से रिलेटिव लुक आएगा दिखने में एकदम, ठीक है, मतलब एकदम फेक नहीं लगेगा पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो आप लोग कुछ इस तरीके से जो आई है आई के ऊपर और नीचे भी डाल सकते हो चाहे तो, ठीक है। तो आप लोग हल्का सा डालना, नहीं तो भाई ऐसा लगेगा कि बहुत रात तक सोया नहीं हो आप लोग, ये ऐसा लगेगा, ठीक है। तो हल्का सा डालना यहाँ पर तभी अच्छा लगेगा एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई कर देना है। एंड अप्लाई कर देने के बाद आप लोगों को सिंपली चलिए आप दिखा देता हूँ कि ई लाइनर कैसे डालते हैं। तो ये बेसिकली लड़की के ऊपर ही अच्छा लगेगा, देख सकते हो गाइस जो ई लाइनर है ये सब यूज़ करते हैं लड़की लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली फिर भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइज वगैरह ले लेता हूँ एंड कलर आप लोग चूज़ कर सकते हो एंड ई लाइनर यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा थोड़ा सा। तो इसके बारे में मुझे कुछ मतलब उतना पता नहीं है खास, लड़की लोगों का जो मेकअप होता है भाई मतलब अलग अलग ही नाम होता है भाई, इतना मेकअप होता है कि क्या बताऊँ भाई। तो यहाँ पर मैं सिंपली जल्दी से कर लेता हूँ। और करने के बाद यहाँ पर जो लिप्स के लिए कलर है मतलब लिप्स के ऊपर आप लोग चाहे तो रेड कलर डाल सकते हो या आप लोग पिंक कलर डाल सकते हो। तो जिन लोगों का जो लिप्स है वो थोड़ा सा डार्क रहेगा वो यहाँ से आप लोग यहाँ पर रेड या पिंक कलर या जो भी कलर आप लोगों को पसंद है डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ओपासिटी वगैरह यहाँ पर आप लोग फिक्स कर सकते हो। तो सिंपली मुझे इतना ओपासिटी चाहिए तो यहाँ पर मैं इतना ही रखता हूँ एंड यहाँ पर मैं सिंपली अप्लाई कर दूँगा। और गाइज अप्लाई कर देने के बाद यहाँ पर इस वाले टूल्स पर आ जाऊँगा ब्लास्ट वाला। तो यहाँ पर गाइज पता नहीं भाई क्या क्या मेकअप ठोकता है भाई लड़की लोग गालों पर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो गालों पर जो पिंक पिंक या रेड 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 होता है ना कलर हल्का सा डालता है दोनों गालों पर, तो वही यहाँ पर मैं डाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। देख सकते हो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं पिंक कलर डाल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि अच्छा लगता है और इस लड़की का जो फेस है फेस के ऊपर यहाँ पर मैच भी हो रहा है अच्छे से। और यहाँ पर ई पॉपअप मिलता है गाइस, दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो आई पॉपअप जिसको बोलते हैं, मेरे से ई निकल जाता है बार बार। तो आई पॉपअप के ऊपर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा आप लोगों का जो यहाँ पर आई है ना थोड़ा सा यहाँ पर ग्लो हो जाएगा, देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पर मैं कर लिया हूँ सिंपली, मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोगों को भी वैसे ही करना है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हो बिफोर वाला कैसा था एंड आफ्टर वाला, तो देख सकते हो गाइस कितना यहाँ पर अंतर आ चुका है फोटो के अंदर। तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बिफोर आफ्टर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है, पहले कैसा था आफ्टर में कैसा हो गया। तो आप लोग यहाँ से सिंपली सेव कर लो। सो गाइस चलिए मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मतलब आप लोग परेशान में रहते हो ज़्यादातर कि बैकग्राउंड भाई कहाँ से मिला अच्छा खासा बैकग्राउंड एडिटिंग करने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को चूज़ कर लेना है, मतलब यहाँ पर ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सिंपली सर्च कर लेना है pxby.com, ठीक है, मतलब pixby.com, और यहाँ पर सर्च कर लेना है आप लोगों को सिंपली, ठीक है। एंड आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा गाइस, जैसे कि देख सकते हो एक सर्च का बटन यहाँ पर आ रहा है गाइस, देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों के सामने कैटेगरी भी आ जाएगा, जैसे कि नेचुरल इंस्पिरेशन, वॉलपेपर, यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी है, आप लोगों को जो भी कैटेगरी का पिक्चर चाहिए यहाँ पर आप लोग सिंपली, मान लो मुझे नेचुरल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ सिंपली। एंड क्लिक करने के बाद जो भी सारा नेचुरल फोटो होगा यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएगा, मतलब बैकग्राउंड जो भी होगा आ जाएगा। एंड मान लो आप लोगों को कोई कार का फोटो चाहिए, ठीक है, मतलब कार वाला बैकग्राउंड पर आप लोग एडिटिंग करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कार, ठीक है, सर्च बटन पर कार सर्च कर लेता हूँ। एंड सर्च करने पर देख सकते हो गाइस आप लोगों के सामने जितने सारे भी यहाँ पर कार वाला बैकग्राउंड होगा वो आ जाएगा। और इस वेबसाइट का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर जो वेबसाइट है ना इसके यहाँ पर जो बैकग्राउंड वगैरह मिलता है एकदम HD क्वालिटी का मिलता है भाई, पिक्सल वगैरह फटने के कोई चांस ही नहीं।
सो गाइस, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ एंड fotero.com वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, तो आप लोग एक बार जाके विजिट ज़रूर करना। अच्छा लगे तो मुझे भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हाँ कुछ बढ़िया चीज़ बताया आपने। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।